कपिल शर्मा शो में विकी कौशल ने खोले सारा अली खान के राज। आइए जानते हैं आखिरकार किस सीक्रेट के बारे में विकी कौशल ने किया है खुलासा। सारा अली खान और विकी कौशल की फिल्म जरा हटके जरा बचके 2 जून को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की सफलता के लिए ये दोनों काफी मेहनत भी कर रहे हैं। मंदिर से लेकर न जाने कहाँ कहाँ इस मूवी को प्रमोट कर रहे हैं। अब ये मूवी आ पहुंची है द कपिल शर्मा शो में, जहाँ इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी नायाब किस्सा सुनाया है। द कपिल शर्मा शो में आकर विकी कौशल से कमेडियन ने पूछा, पिछली कुछ फिल्मों में आपके साथ क्या हो रहा है? शादीशुदा हूँ और पत्नी से लड़ाई कर रहे हैं। इस पर एक्टर जवाब देते हैं, बहुत हो रहा है, पिछली फिल्म में भी थी, उसमें भी मार खा रहा था, इसमें भी मार खा रहा हूँ, रियल लाइफ में तो नहीं हो रहा ऐसा। विकी कौशल ने आगे सारा अली खान के बारे में एक मजेदार बात बताई, कहा कि वह अपनी माँ अमृता सिंह को एक छोटी सी बात पर डांट रही थी। वो बताते हैं, एक दिन सारा अमृता मैम को डांट रही थी, मैंने पूछा कि क्या हो गया। इस पर उसने बताया कि मम्मी को अक्ल नहीं है, 1600 रुपए की तौलिया ले आई है। इसके बाद एक्टर ने एक्ट करके बताया कि वो कैसे माँ पर चिल्ला रही थी। हालांकि बाद में सारा अली खान ने सफाई दी, वैनिटी वैन में इस्तेमाल के लिए इतने मुफ्त के तौलिया टांग रहे होते हैं, लेकिन उसमें भी एक यूज़ कर लो, इतनी महंगी तौलिया क्यों खरीदनी। फिर कपिल ने मजाक में कहते हैं, मुझे लगता है कि सारा पैकअप के बाद सेट पर डिनर करते वक्त घर जाती होंगी, क्योंकि वहाँ भी तो मुफ्त का ही मिलता है खाना। इतना सुनते ही सब हंसने लगे। तो ऐसे में सारा अली खान के इस सीक्रेट और इस मज़ेदार किस्से के बारे में विकी कौशल ने किया है खुलासा। तो आप बताएं आखिरकार ये मज़ेदार किस्सा आपको कैसा लगा, और आप सभी फिल्म जरा हटके जरा बचके के लिए कितने सुपर एक्साइटेड हैं? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।